और यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में 4 मई और 11 मई को नगर निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी में 2 फेज में नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं और नगर निकाय चुनाव को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। खबर यह है कि 4 मई और 11 मई को वोटिंग हो सकती है। कर्नाटक चुनाव नतीजों के दिन यानी 13 मई को नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी में 17 नगर निगम, 760 नगर निकाय, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत हैं। 13 मई को नगर निकाय के नतीजे आ सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी में 2 फेज में नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे, यह खबर आ रही है। 4 मई और 11 मई को वोट कराए जाएंगे, यूपी में 2 फेज में नगर निकाय चुनाव होंगे और यूपी का मूड जानने के लिए 24 से पहले इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। इसके लिए तमाम दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में अभी से लग गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 2 फेज में नगर निकाय चुनाव होंगे, 4 मई 11 मई को वोटिंग कराई जाएगी और कर्नाटक चुनाव के नतीजे जिस दिन घोषित किए जाएंगे यानी कि 13 मई को नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे जिस दिन कर्नाटक चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। यूपी में 17 नगर निगम है, 760 नगर निकाय, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।